अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहां पे हर बंदे को अपनी बका की फ़िक्र लाहक है। हर मुल्क को, हर पार्टी को, हर बंदे को अपनी बका की फ़िक्र लाहक है। आप पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ की तरफ अभी आते हैं कि हर पार्टी को अपनी बका की फ़िक्र लाहक है। हर पार्टी चाहती है कि दूसरे को ब्लेम करके किसी तरह से मैं बच जाऊं। देखें इससे पिछले जो पिछले 40 साल को देख लें कि नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर इक्तदार में आते रहे। अवाम के पास जाते थे वोट लेने के लिए एक दूसरे की करप्शन को हाईलाइट करके कि ये हम पैसा वापस निकलवाएंगे, इन्होंने ये किया है वो किया है। लेकिन जब हुकूमत बन जाती थी तो ये सब फिर वैसे कि एक जैसे होते थे। तो अभी एक तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की आई है, तो उस दौरान ये लोग अगर इकट्ठे होते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, जब ये प्राइम मिनिस्टर का बनना था तो ये लोग अगर इकट्ठे होते, ये अपना एक मुत्तफिका कैंडिडेट खड़ा करते तो ये आराम से इनकी हुकूमत बन सकती थी। लेकिन क्यों नहीं बनी जी? इनको अपनी बका की फ़िक्र लाहक थी कि अभी तक तो हम आवाम को वरगलाते रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ करप्शन को हाईलाइट करके, अभी अगर हम इकट्ठे होते हैं तो ये तो इनकी सियासी मौत थी। लिहाजा इन्होंने अपना अलहदा अलहदा कैंडिडेट खड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी, ये लोग इकट्ठे ना हो सके। उसके बाद चेयरमैन पीएसी की बात आई तो वो नून लीग ने शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया, पीपल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, हालांकि उसके लिए हुकूमत अपना बंदा खड़ा करना चाहती थी। अभी क्या हुआ है कि नून लीग ने राणा तनवीर हुसैन को चेयरमैन पीएसी नामज़द कर दिया है, जिस पे पीपल पार्टी सीख पा है। ये पीपल पार्टी के साथ नून लीग ने हाथ कर दिया है, उनके साथ मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। पीपल पार्टी अभी पीट रही है कि अगर छोड़नी ही थी चेयरमैनशिप इसकी पीएसी की तो हमें बताते, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते, या फिर अभी हमें सपोर्ट करें। पीपल पार्टी बिलावल को चेयरमैन पीएसी बनाना चाहती है, तो नून लीग ने अभी भी इनके साथ हाथ कर दिया है। वो मैंने पहले बात कर दी है कि हर पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है, किसके साथ अगर कोई वो क्या कहते हैं, ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो ये मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी अपनी बका की ये बात है। ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, इनकी सियासी मौत होने वाली है। इमरान ख़ान ने इन्हें तो पीछे हटना नहीं है। इमरान ख़ान ने वाज़ह बता दिया है कि कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन रायत नहीं मिलेगी। इन लोगों को NRO नहीं दिया जाएगा, कुर्सी बेशक ना बचे। तो अभी इन लोगों को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है कि लूटे हुए पैसे देते हैं फिर भी इनकी सियासी मौत है, नहीं देते हैं तो फिर भी इनकी सियासी मौत है। इमरान खान ने तो पीछे हटना नहीं है। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।